समुदायों से और सब लोगों से अलग है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा युवकों के लिए है। और वो युवकों का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज के लिए है, माता पिता के लिए भी है। और पिछले कई सालों से एम्प्लॉयमेंट का कोई योजना नहीं बनी, कोई प्रोग्राम नहीं बना, और लाखों लड़के और लड़कियां हमारे पास पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी है, लेकिन उनके कहीं नौकरी का या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का रास्ता नहीं। सर, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, पहले तो फेज हुए। नहीं, ये हम लोगों की आदत है, हर इलेक्शन का हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर इलेक्शन में ऐसी ही पोलिंग होती है और कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी फर्क पड़ता है। जहाँ कंपटीशन टफ होता है, कैंडिडेट तकड़े होते हैं, वहाँ ज्यादा पोलिंग होती है। जहाँ कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं सब पार्टी के, तो वहाँ उसी तरह से पोलिंग भी कमजोर होती है। तो क्या सर, जिस तरह मुद्दे रहे इस बार बीजेपी का था कि स्टेट छोड़ देंगे, कांग्रेस के सब अलग अलग, सब इलेक्शन में मुद्दे रहते हैं और इलेक्शन मुद्दों पर ही फाइट की जाती है। अब यहाँ स्टेट में यहाँ कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, कुछ हवाई मुद्दे हैं, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे हैं, सबके मुद्दे हैं, लेकिन जो आवाम के मुद्दे हैं वो कोई नहीं उठाता। आपके क्या सबसे बड़ा? मेरा तो सबसे ज्यादा हर इलेक्शन में और विशेष रूप से इस इलेक्शन में रहा बेकारी। यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, वही स्टेट को ले डूबेगा या स्टेट को उभारेगा। सर, अभी कुछ पार्टीज ने अभी जो हिजबुल्लाह के मारे गए उनको यहाँ पे मार्टेर कहा और बंद भी किया, जैसे मैं बंद कर दी थी कैंपेनिंग, उस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन में हर किस्म के लोग आ जाते हैं और इस वक्त तो ज्यादा ही आ गए। इस वक्त पता नहीं है कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा और कल उसका पास्ट क्या था, ये भी बड़ा संदेह है। सर, सारे पार्टीज कह रही हम सरकार बनाएंगी, बीजेपी कह रहे हम बनाएंगे, एनसी कह रहे हैं, तो क्या लगता है क्या होगा? मैं बताना चाहूंगा कि वो मतदाता जम्मू कश्मीर के बनाएंगे, जिसको वो वोट देंगे वही सरकार। एंड में एक अपील क्या करेंगे आप? सबको वोट डालना चाहिए।